श्रीमद्भगवद गीता अध्याय चार श्लोक इकतीस यज्ञशिष्टामृतभुजो यानि ब्रह्म सनातन ना लोक सत्य कुरु सत्तम हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन यज्ञों के परिणाम स्वरूप ज्ञान अमृत को भोगने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ रहित पुरुष को यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं फिर परलोक सुखदायक कैसे होगा एवं बहुविदा यज्ञ विदता ब्राह्मणों मुखे कर्म जान विद्य सर्वा न्ञावा विमोक्ष से ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार किए गए हैं उन सबको शरीर मन और इंद्रियों की क्रिया द्वारा उत्पन्न होने वाला जान इस प्रकार तत्व से जानकर निष्काम कर्म योग द्वारा संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा जिसका जीवन यज्ञ है ऐसे व्यक्ति के द्वारा इस भूलोक में इस पृथ्वीलोक में उसकी ईश्वर प्रणिधान अहंता ममता का त्याग और कर्मों में बलिपांति प्रकार समर्पित भाव से जब वो कर्मों को करता है सुख स्थिरता है विश्राम है और जब वो देह छोड़ता है जब उसकी यह शरीर समाप्त तो होती है तब भी वह उसी अनंत के स्वरूप में लीन हो जाता है एवं बहुविधा यज्ञ विदता ब्राह्मणों मुखे ऐसे बहुत से प्रकार के यज्ञ जितने शास्त्रों में कहे भगवान कहते वो सब यज्ञों का वर्णन मैं तेरे लिए कर चुका जप यज्ञ द्रव्य यज्ञ स्वाध्याय राजयोग की साधना प्राण को अपान में अपान को प्राण में स्थित करना इंद्रिय का मन में और मन का प्राण में निग्रह करना यह भी यज्ञ है प्राण अपान का साक्षी होना यह भी यज्ञ है और सभी चेष्टाओं को ईश्वर के अर्पित कर स्वयं फल इच्छा त्याग कर अनासक्त होकर निष्काम कर्म कोई करे तो यह भी एक यज्ञ है krishna has given so many possibilities and varieties of yagnas the issue is that you have to live your life with the choiceless awareness where you surrender to the cosmic energy where you are not a doer for a single moment single moment वो एक पल के लिए जो कर्ता भाव आता है वह तुम्हारे किए गए समस्त यज्ञों के फल को नष्ट कर देता जब तप व्रत अनुष्ठान स्वाध्याय इत्यादि कुछ भी करे पर अगर करने में यह भाव आया कि मैंने किया ये साधन मैंने किए तीर्थ मैंने किए जब मैंने किए सेवा मैंने की एक क्षण के लिए भी आया हुआ भाव तुम्हारे समस्त पुण्य फल को नष्ट करता है भाव से अहंकार की पुष्टि होती है और अहंकार युक्त व्यक्ति कभी भी आनंद में नहीं रह सकता और फिर ये भी है अहंकार से दबे हुए तमोगुण बाहर निकल आएंगे रजोगुण बाहर निकल आएंगे शांत प्रकृति वाला क्रोधी हो जाएगा ये तमस और ये तुम्हारा रजोगुण सत्व गुण के द्वारा तभी तक दबा है जब तक तुम चेष्टा करते हो फिर कह दू मन की मूल प्रकृति में तमोगुण है ही रजोगुन है ही इनको टोटली totally इराडिकेट समूल जड़ से इनका निवारण नहीं होगा तुम्हारे शरीर के बनने में तुम्हारे मन के बनने में ये सभी गुणों का कार्य काम है, सक्रिय रूप से काम कर रहे इसलिए तुम अविवेक से एक क्षण को भी नहीं जी सकते यह समझो सर्कस का या मदारी का खेल खेलने वाले बांस गाड़ते हैं बीच में रस्सी बांधते हैं और उस रस्सी के ऊपर तमाशा दिखाने वाला चलता है एक एक पांव सदा हुआ नीचे कुछ है नहीं कोई जाल नहीं बिछा गिरा तो जमीन पर हड्डी टूटेगी जान भी जा सकती एक एक कदम सदा हुआ वो चलता है कल्पना कीजिए कि वो पूरी रस्सी को तो पार कर गया होश से पर आखिरी जो दो कदम बचे वहाँ वो बेहोश हो जाए या लोगों की तालियां बज रही हैं लोग चिल्ला रहे हैं उसका ध्यान उस तरफ चला जाए और वो आखिरी दो कदम वो बेहोशी से चले दो कदम क्या वो एक कदम बेहोशी का काफी है उसको गिराने के लिए सेवा कर रहा है जब कर रहा है योग साध रहा है पर हुआ बेहोश मैं कर रहा हूं इसका मैं उदाहरण देती हूं कि ये गलती तुम कितने मज़े से करते हो और, और इसका एहसास भी तुम्हें नहीं होता है कि ये तुम गलत कर रहे हो लगता है बड़ी इनोसेंट सी बात जैसे तुम्हारे घर में संत पधारे या तुम गुरु के पास बैठे कुछ साधनात्मक ज्ञानात्मक वचन सुनते हो बड़े आह्लादित हो रहे हो बड़े प्रसन्न बड़े आनंद में हो और आनंद में बेहोश हो के या यूं कहो बेहोशी तो थी ही तो उसी बेहोशी की वजह से कहते हो हमारे भाग्य कितने अच्छे हैं गुरु घर में पधारे संत घर में पधारे हमारे भाग्य कितने अच्छे हैं कि हम इस समय बैठ कर के दर्शन कर रहे सत्संग सुन रहे ध्यान कर रहे कितने बार तुम्हें ये विचार आया कितने बार तुमको ये ख्याल आया तुमने तुलना की अपनी दूसरों के साथ वो दूसरे तुम्हारे भाई बहन परिवार के लोग तुम्हारे मित्र वो पैसा फैशन कपड़े शेयर मार्केट में लगे हैं और जब तुम उनको देखते हो इस तरह का जीवन जीते तो तुम्हारे चित्त में सहज सही भाव आ जाता है कितनी कृपा है भगवान की हमारे ऊपर हमारी कितनी अच्छी किस्मत है हम ये सब नहीं कर रहे एवा के बड़ा निर्दोष लग रहा है पर यह निर्दोष है नहीं संत तुम्हारे घर पधारे तुम आनंदित हो आनंद का प्रगटाव यूं भी हो सकता है कि आपकी कितनी कृपा है कि आप यहां पधारे तुम कहते हो हमारे भाग्य कितने अच्छे हैं कि माने हमारे भाग्य के जोर की वजह से तुम यहाँ पर हो राम शबरी के पास जाते शबरी ये नहीं कहती कि मेरे इतने सालों के तप और इंतजार के फल स्वरूप राम पदारे हैं। वो कहती राम तेरी कितनी कृपा है कि तू अंततः आया तो सही मुझे तो लगा तू आएगा नहीं गुरु मतंग ने ऐसा कहा था कि आप आओगे पर मुझे विश्वास नहीं होता रोज राह तकती रोज निराश हो जाती और रोज यह गिनती कि मैं नीच जात की हूँ मेरे में गुण कोई नहीं है ज्ञान कोई नहीं है सुंदर नहीं हूँ बुद्धि अच्छी नहीं है राम क्यों आएंगे मेरे पास हजार कारण थे कि राम क्यों आएंगे लेकिन आप फिर भी आए आप फिर भी पधारे मैं धन्यवादी हूं अयोग्य को आपने ये अवसर दिया कि आपको करीब से मैं देख पाऊं आपसे चर्चा कर पाऊं आप आपकी छत्र छाया में आपके सानिध्य में स्वयं को कुछ पल विश्राम के दे सको शबरी ये नहीं कहती है कि मेरी किस्मत कितनी अच्छी ये जो सुनाने की प्रवृत्ति है यह बड़ी नीच है। सुनाने की कि मैंने कितना किया प्रवृत्ति यह होनी चाहिए कि तुम हर समय यह विश्लेषण करो कि ईश्वर ने तुमको ऐसे सुंदर अवसर दिए कि तुम सुंदर वातावरण में दिव्य वातावरण में रह पा रहे हो उसमें भी ईश्वर की कृपा देखनी चाहिए वहां पर भी तुम अपनी आहमता को आगे ले आते हो मेरी किस्मत अच्छी है मेरे भाग्य अच्छे है या yeah, मैंने इतने यत्न किए इसलिए हो रहा और ये तुम्हारी मैं का भाव तुम्हारे किए गए उन शुभ कर्मों को उन सत्य कर्मों को उन कर्मों को उन धार्मिक कर्मों को निष्फल कर देती चॉइस इज इन बिटवीन डूइंग गुड एक्शंस विद द फीलिंग ऑफ नॉन डूअर और doing good actions and being a doer. और मुश्किल ये है कि ये कर्ता भाव जब तक अंदर है तुम शुभ करो तो भी आएगा अशुभ करो तो भी आएगा भगवान ने कहा था पिछले प्रसंग में कि तू अपने आप को यंत्र देख और तेरे द्वारा जो कार्य कराना है परमात्मा को वो करा लेगा Don't you ever dare say that you have done it. Because when you say this language, it just shows your egoism. So please be watchful and keep on reminding yourself that you are nothing more than a tool. श्रेष्ठ कर्म करने का संकल्प भी जिसके नहीं कामना जिसके नहीं वही योगी यही कर्म योग है तुम सब करते हो और सब कुछ बड़ी कुशलता पूर्वक करते हो और बिना किसी रिजल्ट बिना किसी फल बिना किसी लाभ की उम्मीद से तुमने दिल से किया सब किया और फिर नतीजा अच्छा ना मिले दुख नहीं होता क्योंकि तुम तो यंत्र थे देह मन अंतकरण को ईश्वर के अर्पित करके फिर ईश्वर की ही प्रेरणा से जो चित्त में संकल्प उठे उन संकल्पों को कर्म में बदले लेकिन इस कर्म के करते हुए या संकल्प जो चित्त में आए हैं उन संकल्पों के अनुसार कार्य करते हुए इस बात का ध्यान हमेशा 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 बना रहना चाहिए मैं नहीं कर रहा हूं वो करवा रहा है जो बेईमान है वो ये कहते हैं कि इसका अर्थ यह हुआ कि अगर कुछ गलत बुरा अपराध होता है तो वो भी ईश्वर ही करा रहा है ये तमोगुणी बुद्धि के इंसान के लिए ये ज्ञान है नहीं पहली बात तो ये जिसके लिए शरीर ही सर्व साधन और सर्व भोगों का घर है जिसके लिए मानव जीवन सिर्फ मजा लूटने का साधन है ये ज्ञान उन लोगों के लिए है ही नहीं और जो लोग ये सोचते हैं या इस तरह का प्रश्न उठाते हैं वो इस प्रश्न के माध्यम से बात स्पष्ट कर देते हैं दैट दे आर एट अ वेरी लोअर लेवल तभी ये बात कह रहे कि डाका हत्या बलात्कार कतरी रिश्वतखोरी ये भी ईश्वर ही करा रहा है क्योंकि ईश्वर ने जो प्रेरणा दी मेरे मन बुद्धि और शरीर ने वो कर्म कर दिया बहुत खतरनाक होते हैं ये ज्ञान के सूत्र जब अज्ञानियों के हाथ में आ जाए मैंने पहले भी कहा था फिर कहती हूं गुरु हरगोबिंद के शिष्य सुथरे और सुथरे की एक दिन शिकायत लगी कि ये संगत के लोगों से उधार लेता है सत्संगी जितने आते हैं गुरु भक्त उनसे उधार लेता है खा जाता है वापिस नहीं करता है और जब कहो कि वापिस लौटा तो आंखें से आंखें दिखाता है शिकायत भरे दरबार में लगी कोई चुगली नहीं थी और ये बात बहुत दिन से तड़प रहे थे सब लोग गुरु के कान तक पहुंचाने आज जब मौका मिला एक आदमी ने शिकायत की और दर्जनों दर्जनों हाथ उठ गए कि इसने हमसे भी लिया हमसे भी लिया हमसे भी लिया हमसे भी लिया सूत्र से गुरुदेव ने पूछा क्या तुमने ये कर्म किया है सुथरा बड़े मजे से बिना किसी बेईमानी या लगाव या छुपाव के कहते हम हाँ महाराज मैंने किया है पर जिस तरह से वो कह रहा है और जो उसके चेहरे पर भाव थे वो भाव इतने निर्दोष कि उसके संतत्व पर कोई उंगली नहीं उठा सके गुरु ने कहा ऐसा क्यों किया तूने सूत्र ने कहा महाराज आपका ही तो हुक्म है मैं हुक्म पाल रहा था गुरु भी चक्रा है ये बोल क्या रहा है गुरुदेव ने कहा बात स्पष्ट करो मैंने कब कहा ससुर कहते गुरुदेव रोज सुबह आपकी ही वाणी है जप जी और हम रोज पढ़ते कहते ले ले कर पाए कितने ही हैं जो ले, ले के मुकर जाते हैं इनकारी हो जाते हैं तो आपकी ही इस वाणी का मैं अमल कर रहा था गुरु हसे बोले ये पंक्ति तूने आधी पकड़ी इसके बाद की पंक्ति क्या है केते मूर्ख खाई खाए मूर्ख है जो ले लेके यूं खाता है सूत्र ने हाथ जोड़े कहते बंदा परवर अकल छोटी है दिमाग छोटा है एक समय में एक ही पंक्ति का अमल कर सकता तो फिलहाल इस पंक्ति का अमल कर रहा हूं केते ले ले मुख कर पाए सो लेता हूं और जब कोई पूछता है वापसी मांगता है मैं मुकर जाता गुरु हंसे, क्योंकि वो जानते हैं सुथरा कुछ गलत कर ही नहीं सकता जो समर्पित है जो अपने गुरु के लिए तन मन प्राण अर्पित कर चुका है उसके अंदर स्वार्थ होता कहाँ है वो अपनी किसी वासना की पूर्ति के लिए कुछ तब करे जब कोई वासना हो जिसके वासना नहीं जो निर्वासनिक है जो कामना शून्य है उसके द्वारा कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता नॉट पॉसिबल गुरुदेव ने कहा जरा ब्यौरा देगा ये सब तुमने जो कर्तव्य किए हैं इसके पीछे कारण क्या है सूत्र ने कहा गुरुदेव बात कुछ नहीं है हमारे यहाँ बहुत से ऐसे सत्संगी आते हैं जो आपसे प्रेम का ढोंग करते हैं और यहाँ आए हुए धनी लोगों से धन ले लेते हैं और फिर वापिस नहीं करते और जिसके पैसे चले जाते हैं वो बेचारे डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाते हैं वो चुप रह जाते हैं और ऐसे बहुत से किस्से हो रहे थे कितने ही लोग यहाँ जो आते हैं उनको आपसे प्रेम नहीं पर यहाँ जो साहूकार हैं उन साहूकारों के सामने जब वो ये पाखंड करते कि हम भी गुरसिख तू भी गुरसिख मेरी मदद है मदद कर वो बेचारा अपने शिष्य धर्म का पालन करते हुए और ये सोच के मेरा गुरु भाई है अपना है कष्ट में है दे देते और ये बेईमान लोग वापस नहीं करते तो उन सब पीड़ितों की फरियाद आप तक अगर सीधे पहुँचाता तो शायद ये वो लोग हैं जिनका बड़ा सम्मान है यहाँ पर जिन्होंने बड़ी अच्छी इमेज अपनी बनाई है इसलिए मुझे ये कौशल करना पड़ा और करके उकसा दिया मैंने इतनी बड़ी संख्या को कि वो सब अपने आप ही पहुँच गए एक ने कहा महाराज ये तो समझ लगी कि दूसरों के कष्टों को आप तक पहुँचाने के लिए सूत्र ने ये खेल किया पर वो पैसा कहाँ गया सुथरा कहता है वो सब गुरु की गोलक में जो पैसा लिया वो सारा यह गुरु की गोलक में जो बैंड पात्र में उसमें डाल दी सुथरा तो फक्कड़ है एक चोला एक झोला सूत्र के पास और कुछ है ही नहीं ना जमीन ना जायदाद न संपत्ति के ले लोककर है गुरु तो बहुत कुछ कहता है पर इंसान अपनी बेअकली से उतनी ही बात को पकड़ के और उसका दुरुपयोग कर सकता है यही गीता के श्लोकों का दुरुपयोग जाने कितने व्यक्ति और इसी तरह करते हैं कि भगवान करा रहा है हम कर रहे हैं एक व्यक्ति सुबह नहीं उठा आसन करने को दूसरों ने पूछा भाई क्या बात है उठानी बोले भगवान की प्रेरणा यही थी कि आज सो आज नहीं उठना अंदर से प्रेरणा ही नहीं आ रही और भगवान जो प्रेरणा देते हैं हम तो वही कर्म करते गुरु तक बात पहुंची माने एक तो बेईमान ऊपर से झूठे गुरु कहते ठीक अब जब ये खाने को आए खाना नहीं देना बोले महाराज कब तक बोले जब तक हम ना कह दे जंगल में आश्रम है रसोई घर के अलावा और कहीं भोजन मिलने की कोई चांस नहीं है कोई उपाय नहीं है जब वो भोजन करने गया तो उसके लिए मनाही हो गई दोपहर गया तो शाम गया तो एक दिन निकला दो दिन निकले तीसरे दिन आते आते हालत खराब हो गई वो बोले मुझे बताओ तो सही मुझे भोजन पे क्यों मनाही तो जिनका कार्य था भोजन देना उन्होंने कहा अंदर से ईश्वर प्रेरणा नहीं दे रहे ईश्वर कह रहे हैं कि इसको उपवास में रहना चाहिए तो ये जो भगवत आकाशवाणी हो रही है हम उसी का आज्ञा पालन कर रहे हैं समझ लग गई ये जो बेईमानी खेली थी उस बेईमानी का ही प्रति उत्तर मिला तो ये ज्ञान तमोगुणी स्वार्थी और राजसिक व्यक्तियों के लिए नहीं है जो ईश्वर परायण है जो अपने चित्त में सत्वगुण और प्रेम भक्ति को धारण किए हैं ये ज्ञान उन्हीं के लिए श्रेयान द्रव्यमया ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वं पार्थ ज्ञाने कर्माखिल्ञ्य हे अर्जुन सांसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाले यज्ञ से ज्ञान रूप यज्ञ सब प्रकार श्रेष्ठ है क्योंकि हे पार्थ संपूर्ण यावन मात्र कर्म ज्ञान में शेष होते हैं अर्थात ज्ञान उनकी पराकाष्ठ श्री कृष्ण कह रहे हैं द्रव्य यज्ञ से पदार्थ के यज्ञ से जिसमें आप मंत्रों की आहूति देते हैं अग्नि में होम करते हैं प्रभु कह रहे हैं इन सभी सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति कराने वाले यज्ञ से श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ होता है और सच तो यह है बाकी जितने यज्ञ हैं चाहे जप यज्ञ हो द्रव्य यज्ञ हो स्वाध्याय हो अहिंसा व्रत हो इत्यादि ये सभी यज्ञ अपने आप में बहुत अच्छे हैं परंतु यह सब यज्ञ बहिरंग साधन है अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए जिसके अंतःकरण की शुद्धि हो गई वो अब ज्ञान का अधिकारी हो गया माने वन आफ्टर अनदर ऑल दिस यज्ञास हेल्प यू टू गेन कैपेसिटी एंड एलिजिबिलिटी टू लिसन द ब्रह्म ज्ञान जब तब राजयोग दीज आर ऑल प्रेपरेशंस फॉर दैट फाइनल यज्ञ फॉर दैट फाइनल एक्ट विच विल डिस्ट्रॉय योर डार्कनेस एंड योर इग्नोरेंस जब यज्ञ से मन एकाग्र होता है तब से मन एकाग्र होता है राज योग को अभ्यास करने से मन एकाग्र और शुद्ध होता है प्राण अपान अपान प्राण में सिद्ध करने से समाहित करने से अंतकरण की धारण शक्ति बढ़ती प्रत्याहार करने से आपकी धारणा और धारणा की ही पुष्टि से ध्यान और जिसके ध्यान की पुष्टि हो गई वही ज्ञान का अधिकारी होता है जिसने ये सब तैयारी नहीं की उसके लिए ज्ञान कोई प्रभाव नहीं देगा कोई प्रभाव नहीं देगा मैं विशेष करके ये बात उठाना चाह रही हूं। राजयोग की अगर बात करें तो आसन सिद्ध हो आसन सिद्ध किसको कहते? छह घंटे बिना हिले स्थिर जब आप आसन में बैठे, एक पोजीशन में बैठे और स्टिल रहे ये आसन की सिद्धि होती तू प्राणायाम सिद्ध हो प्राणायाम सिद्धि का लक्षण दिया है सोलह हृदय गति नाड़ी गति की 16 काउंट पूरक इनहलेशन 64 काउंट रिटेंशन 32 काउंट एक्सलेशन अथवा रेचन हो यह प्राणायाम की सिद्धि है आसन प्राणायाम तो तीसरी सीढ़ी आ जाती है और वह सीढ़ी है प्रत्याहार की प्रत्याहार क्या है इंद्रियों को बाहर विषयों से समेट के माने इंद्रिय का विषय से संबंध टूट जाए और प्रत्याहार की गहराई है धारणा धारणा है इंद्रिय और मन का भी नियोजन सेपरेशन हो जाए जिसके धारणा सिद्ध हुई वही ध्यान की स्थिति में प्रवेश कर